ओम शांति। त्याग और तपस्या की मूर्ति, राजयोगिनी दादी जानकी जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका थी। 27 मार्च 2023 को दादी जी की तीसरी पुण्य स्मृति दिवस है, जिस पर हम सभी भाई बहनों का दादी जी को सत सत नमन। ऐसी दादी जो बाबा का अमूल्य रत्न बनी, विश्व के कोने कोने में बाबा के यज्ञ का प्रचार प्रसार की निमित्त बनी। दादी जहां भी जाती, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर, वाणी की सेवा के आधार पर अनेक आत्माओं को बाबा का बना देती थी। तो ऐसी दादी जो सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहती थी, ऐसी मुरली की दीवानी थी जो कम से कम 3 से 5 बार रोज मुरली अध्ययन करती थी और उसे उसी दिन स्वरूप में ले आती थी। तो ऐसी दादी जानकी जी के कुछ अमूल्य अनमोल रत्न हैं, जिन रत्नों का हम मनन कर हमारी आत्मा को पवित्र पावन बना सकते हैं, बाप समान बना सकते हैं, दादी के समान बना सकते हैं। तो ऐसी राजयोगिनी दादी जानकी जी का हम विशेष क्लास का मनन करेंगे। बाबा की मुरली की दीवानी दादी जानकी जी कहती हैं, मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है, जिससे आत्मा रूपी वस्त्र साफ हो जाता है। मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है, जिससे आत्मा रूपी वस्त्र साफ, स्वच्छ, पवित्र, पावन हो जाता है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की डिपार्टमेंट अलग है। ज्ञान योग दोनों बहन भाई हैं। बाप अविनाशी ज्ञान दाता है, परंतु ज्ञान कहता है योग युक्त रहने के लिए ध्यान दो। योग से पवित्र रहने की शक्ति आ जाती है, लेकिन निरंतर योगी बनने के लिए सदा अपने को यात्री समझो। यात्री हूं तो जहां जाना है वह बुद्धि में याद रहता है। यात्रा पर कई नियम बने हुए होते हैं, उसको पालन करना पड़ता है। यात्रा सफल हो पीछे बुद्धि ना जाए, पीछे बुद्धि जाना अपशगुन है। इसलिए भारत में यह भी रिवाज है, कोई दूर देश में जाने वाला होता है तो बुलाते नहीं है, अपशगुन मानेंगे। तो हमारी बुद्धि भी पीछे ना जाए, कोई बुलाए भी नहीं। बाबा कहते हैं तुमको घर जाने की बहुत खुशी है, तुम जानते हो इतनी करोड़ों आत्माएं सुख धाम में नहीं होंगी, सब आत्माएं शांति धाम में होंगी तो हम सुख धाम में रहेंगे। थोड़ा टाइम शांति धाम में रहकर सुख धाम में आ जाएंगे। हमको ड्रामा के इस राज का पता है, 5000 वर्ष का चक्र बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। हम देवता कुल की आत्माएं सतयुग में आने वाली हैं, इसलिए अपने को सुधार रहे हैं। एक तरफ बाबा अच्छी तरह से गुहिये पॉइंट सुनाकर पढ़ा रहा है, साथ साथ दिव्य गुण संपन्न बने इसके लिए शिक्षा देकर समझा रहा है। हमें पवित्र बनकर शांति धाम में जाना है, तो वापस ले जाने के लिए बाबा ने जो ड्यूटी ली है उसके लिए पावन बना रहा है। जब सतो प्रधान पावन बनेंगे तो सतो प्रधान सृष्टि में आएंगे। बाबा कहते बच्चे शरीर का भान छोड़ दो, जो बहुत काल के दादी कहती जो बहुत काल से सर्विसेबल है उनको बाबा याद कर करंट देता है, वह याद पहुंचती है।
जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं उन्हें बाबा भी सकाश देता है, करंट व सर्च लाइट देते हैं। अंदर बाबा सकाश अर्थात सूक्ष्म बल दे रहा है, सर्च लाइट भी दे रहा है, जैसे चारों ओर लाइट ही लाइट है। एक ज्ञान की लाइट मिली है, फिर बाबा अपनी सर्च लाइट देता है जिससे पुराने सब हिसाब किताब खत्म होते जाएं। बाबा अपनी सर्च लाइट से पूरा पावन बना रहा है, फिर करंट भी दे रहा है तो अशरीरी बन जाते हैं। इतना हम बाप को प्यार से याद करने वाले हैं तो बाबा का इतना प्यार पाने के हम अधिकारी हैं। उसके उसमें बहुत दुआएं भरी हुई हैं। बाप का प्यार हमारे लिए शक्ति बन जाता है। ज्ञान धन है, प्यार शक्ति है। बाबा इतना अविनाशी ज्ञान धन देता है जिन रत्नों से हम खेलते हैं। यहां संस्कार मिलाएंगे तो वहां रास करेंगे। सारा दिन बुद्धि में यहां और वहां की याद है। पूरा भविष्य बाबा की नजरों के सामने है। ऐसे हम बच्चों की नजरों में भविष्य है, भविष्य नजरों में बन आता है तो पुरुषार्थ अच्छा चलता है। नंबर अच्छे लाना है तो पढ़ाई अच्छा पढ़ते हैं। पढ़ाने में भी पढ़ाई है। हमारे इस स्कूल में वंडर है। बाबा कहता है सुबह को पढ़ो, बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर, फिर श्याम को पढ़ाओ। पढ़ने और पढ़ाने में कभी सुस्त नहीं रहो। बाबा नित्य नई पॉइंट देते हैं, बड़े शौक से पढ़ते हैं। बाबा की पॉइंट कभी रिपीट नहीं होती। बाबा सदा भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न रहस्यों से पढ़ाता है। बाबा अंदर से रस भी भरता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बुद्धि शुद्ध होती जाती है। मुरली सुनते जाते हैं, ब्रेन वॉश होता जाता है। यदि वॉश नहीं होगा, कचरा भरा होगा तो ज्ञान कैसे बैठेगा। बाबा कहते मेले कपड़ों को सटका लगाता हूं तो कपड़े फट जाते हैं। बाबा अच्छा धोबी है। विश्वास चाहिए कि यही धोबी हमारी आत्मा का कपड़ा साफ कर सकता है। कई बार अनुभव होता है वॉशिंग मशीन का काम मुरली कर रही है, स्वच्छ बना देती है। सच्चाई क्या है उसको परखने की शक्ति आ जाती है। झूठ क्या है उससे ग्लानी आ जाती है। हमारी किससे ग्लानी नहीं है, झूठ से है। हम सच्चे बाबा के बच्चे झूठ बात नहीं करेंगे। लोभ मोह और देह अभिमान के कारण झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। कभी भी हमारे अंदर ये कमजोरी का शब्द नहीं निकल सकता कि लाचारी है। हमको अपने पाप काटने हैं। भक्ति मार्ग में भले काशी कलवट खाते हैं, किया हुआ पाप नाश होता है, लेकिन आगे पाप ना करें यह नहीं होता। यही ज्ञान और भक्ति का फर्क है। भक्त भगवान को याद बहुत करते हैं परंतु देह अभिमान नहीं छूटता, सूक्ष्म विकार नहीं जानते। हमारे सूक्ष्म विकार खत्म होते जाते हैं, योग बल से हम पावन बनते जा रहे हैं। अब हमें पाप करने का कोई संकल्प ना आए, यदि आए तो खबरदार रहना है। बाबा कहता था बच्चे अंदर संकल्प भले आए, कर्म में नहीं आना। अभी बाबा कहता है संकल्प में भी ना आए, संकल्प आया तो कर्म में भी आ जाएगा। संकल्प आया तो पुराने संस्कार उसको साथ देंगे। पुराने संस्कार खत्म नहीं हुए हैं, अपने को चेक करना है। पुराने संस्कार बदल कर देवीय संस्कार बने हैं। दादी कहती अपने को चेक करना है, पुराने संस्कार बदल कर देवीय संस्कार बने हैं। ऐसे संस्कार वाली आत्मा को अगर संकल्प आता है तो
खतरा समझना चाहिए। संकल्प को भी लूज नहीं छोड़ना है, इसमें ज्ञान काम करता है। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना, बाबा से स्नेह बहुत मजबूत रखना। बाबा अपनी पावर, अपनी शक्ति देकर पूरा पावन बनाकर अपने पास बिठा ले। हमारा सच्चा पुरुषार्थ है दिल है, तो बाबा सच्चे पुरुषार्थी को मदद देता है। बाबा जानता है ड्रामा में नूंधा हुआ है, लेकिन हमें दिन रात सकास देकर, करंट देकर पुरुषार्थ कराता है। कितनी मेहनत करता है, सदा हिम्मत रखकर बाबा से मदद खींचते जाओ। सब संग तोड़ एक संग जोड़ू, यह मेरा काम है। पक्के निश्चय से डोर मजबूत रखो। हमारा निश्चय बाबा का बल। बेगरी पार्ट में बहुत बच्चे बाबा को छोड़कर गए, संग के रंग देह अभिमान के कारण। भगवान का घर छोड़कर कहां जाएंगे, यह ख्याल नहीं आया। एक संग निश्चय बुद्धि बनाता है, दूसरा संग संशय बुद्धि बनाता है। निश्चय बुद्धि में कितना बल है, कितनी बाबा की मदद होती है, वह दिन भी अति प्यारे हैं। सच्ची दिल से सेवा करने वाले बाबा की बहुत मदद मिलती है। दादी कहती, सच्ची दिल से सेवा करने वालों को बाबा की बहुत मदद मिलती है। नाम की कामना ना कर, भगवान का नाम बाला हो। श्वास संकल्प जहां तक जीते हैं सफल होते जाएं, उसमें बहुत मदद है। बाबा ने कहा, जितनी ज्ञान की लाइट माइट मिलती है तो लगता है यही लाइफ है। फिर अंदर से आता है, सबको ऐसी लाइफ मिले, सदा खुशनसीब समझने की लाइफ। जो भी जिस प्रकार की भी सेवा करता है, भविष्य अपने कर्मों अनुसार जमा करता है, लेकिन बाबा तुरंत खुशी देता है, बल देता है। बाबा भविष्य के लिए नहीं रुकता, बड़ी खुशी होती है, बल मिलता है, योग लग जाता है। यह प्रत्यक्ष फल है, गीता में है, यह ज्ञान योग तुमको प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और कोई इच्छा नहीं रखो, निष्कामी रहो। बाबा छोड़ता नहीं है, बहुत देता है, लेकिन बच्चे लेते नहीं है, और कामना रखते हैं। बाबा सूक्ष्म तो उसी घड़ी दे रहा है, बाबा सूक्ष्म तो उसी घड़ी दे रहा है। हम अच्छा संकल्प रखते हैं तो बाबा खुशी और बल देता है। बाबा के बच्चे अनुभवी हैं, इस अनुभव को बढ़ाते जाना चाहिए। ईश्वरीय परिवार के स्नेह के अनुभव को बढ़ाना चाहिए। उस अनुभव को याद करो, बाबा के घर में कितना अच्छा अनुभव पाया। उन अनुभवों को याद करते करते देवता मूर्त बन रहे हैं। हमारा अनुभव ही कहता है, उपराम होते होते एंजिल बन जाएंगे। विवेक ज्ञान समझ अनुभव कहता है, विवेक ज्ञान समझ अनुभव कहता है, हम बन जाएंगे। परंतु कांटों के जंगल में कोई कांटा न लग जाए, पुरुषार्थ में रुक न जाए, अपने को संभाल चल कर चलना है। मंजिल ऊंची है, परंतु संभलते संभलते पार पहुंचना है। खेवन हार खिवैया बहुत होशियार है, उसके कदम पर कदम उठाते चलो। अपने विश्वास को चेक करते रहो कि कितना मजबूत है। विश्वास कम हो नहीं सकता, विश्वास कदम कदम पर आगे बढ़ाता है, अनुभवी बना देता है। विश्वास से अनुभवी बन जाते हैं। बाबा का प्यार इतना लो जो वह प्यार की करंट अशरीरी बना दे। बाबा का प्यार इतना लो जो वह प्यार की करंट अशरीरी बना दे, अर्थात संपूर्ण संपन्न फरिश्ताई स्वरूप प्रदान कर दे। अच्छा, ये थे
दादी जानकी जी के अनमोल महावाक्य, जिनका मनन चिंतन कर उसको स्वरूप में लाकर हम बच्चे अपनी आत्मा को पवित्र पावन बना सकते हैं, गुणवान बना सकते हैं, बाबा के समीप आ सकते हैं। बाबा आया है हम बच्चों को आप समान बनाकर अपने साथ ले जाने, पर पुरुषार्थ करना बाबा कहता बच्चों का काम है। तो बच्चों को ऐसा ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ऐसे बाप की याद की लगन में मगन रहना है, जो एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म सब कुछ सफल होता जाए, तो ही संपूर्ण संपन्न बाप दादा समान, दादी समान स्वतः और सहज बन जाएंगे। अच्छा, ये थे दादी जी के अनमोल महावाक्य। दादी जी की तृतीय पुण्यतिथि दिवस पर विशेष। ओम शांति।